ऑलराइट, बिल्कुल मॉर्निंग गुरमीत, ये बात तो हुई पावर स्पेस पे. उसके अलावा हमने देखा कि कई सारे स्पेस जहाँ पर अच्छा इंटरेस्ट है, आप फॉर दैट मैटर जोमैटो में भी देखें, यहाँ पर भी एक ब्लॉक लग रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह की चाल जोमैटो दिखा रहा है, 100 के लेवल्स पर आ गए, 125 तक के लेवल की बात की जा रही है, और लगातार वो जो अपने उनकी अर्निंग विजिबिलिटी दिख रही है, एबिटा मार्जिन को इम्प्रूव करने पर फोकस, अब तो प्लेटफॉर्म फीस भी चार्ज करनी शुरू कर दी. पूरे ये जो न्यू एज स्पेस में, चाहे फिनटेक हो, न्यू एज स्टॉक्स हो, इनमें अब भी कहाँ अच्छी आपको अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं? देखिए, जोमैटो की अगर चर्चा करें तो उन्होंने एक गाइड किया था कि वो एबिटा पॉजिटिव होंगे, गाइडेंस पहले मीट करी. जो अच्छी चीज मार्केट को लगी, उन्होंने ब्लिंकिट को लेके भी बोला कि अगले 3 से 4 क्वार्टर में वो ब्रेक इवन होंगे. और तो थोड़ा सा एक डिसिप्लिन आया है कैपिटल एलोकेशन को लेके. मार्केट को थोड़ा एक कंसर्न था कैपिटल एलोकेशन और बर्न रेट को लेके. अगर आप उनका टेक रेट देखें तो 22-23% है, और अभी सिर्फ 5% लोग ही ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं. तो ये ट्रेंड बढ़ेगा, और अब ये स्पेस में ड्यूपोली है, काफी सारे जो कंपटीशन था काफी हद तक साइडलाइन हो गया है. तो थोड़ा सा यूनिट मेट्रिक्स पे फोकस करेंगे तो अच्छा रहेगा. हमने पोर्टफोलियो में नहीं लिया है, बट हमारे रेडार में है. एक जो मुझे थ्रेट लगती है वो ONDC से लगती है. तो कहीं ONDC UPI मूवमेंट ना हो, जैसे UPI ने पेमेंट स्पेस को डिसरप्ट किया, क्या ये कर सकता है? मुझे लगता है कि वो एग्जिस्ट करेगा, बट हमें वो जो टेक रेट है 23%, वो मानना मान के नहीं चल सकते कि इतना ही रहेगा, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं ड्रॉप आएगा जैसे कंपटीशन बढ़ेगा. हमें जियो फाइनेंशियल बहुत अच्छा लगता है. मैंने पहले भी चर्चा की थी अजीत से कि आपको अर्ली बेट करना पड़ेगा ऐसी स्पेस पे. जो उन्होंने उन्होंने अपने प्लान्स जो बताए हैं बड़े अग्रेसिव है लैंडिंग को लेके. और हमने देखा कि जब पहले टेक्निकल रीजन से लोअर सर्किट लग रहा था, तो ब्लॉक काफी ब्लॉक बाइंग आई है, बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है. हमें पॉलिसी बाजार भी अच्छा लगता है, क्योंकि वो थोड़ा एसेट लाइट प्लेटफॉर्म पे, वहां भी बिजनेस जो है फाइनल शेप ले रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ रहा है, उनका जो लोन ऐप है वहाँ पे ग्रोथ अच्छी है, और एसेट लाइट मॉडल है. आप बेसिकली एग्रीगेटर है और ओपन मार्केट प्लेस है, और मार्जिन अच्छे हैं इंश्योरेंस में, तो बहुत अच्छे हैं. इवन अगर आप लेंडिंग प्रोडक्ट्स में देखेंगे और रोटा देखेंगे जो होता है, उसमें उसमें ROE अच्छा निकलता है. तो ये एक अगर एक सर्टन स्केल अचीव करता है तो यहाँ यहाँ पे भी बन सकता है. और कुछ एक दो स्पेसेस हैं जो हम ट्रैक कर रहे हैं, बट ये जो मैं बार बार ये बताना चाहूंगा, हम हायर इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में है और ये थोड़ा लंबा रहने वाला है. तो जहाँ पे वैल्यूएशंस अच्छे हैं, जहाँ पे कैश फ्लोज इजीली विजिबल है, जहाँ पे आपको क्लियर प्रॉफिट ग्रोथ दिख रही है, वहां पे ज्यादा रखिए पोर्टफोलियो को. कोर पोर्टफोलियो जो है ट्रेडिशनल ओल्ड टेक्सट बुक इन्वेस्टिंग से होना चाहिए. बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स ने अभी तक ये हाई इंटरेस्ट रेट देखा नहीं, या तो हमने फ्लैट देखा है या डिक्लाइनिंग जीरो इंटरेस्ट रेट देखा है. अगर इंटरेस्ट रेट हाई रहा काफी समय तक, तो हाई वैल्यूएशन मल्टीपल चैलेंज होना शुरू हो जाएंगे. तो वो एक कंसर्न हमेशा रहेगा. तो टेक्स्ट बुक इन्वेस्टिंग करिए, लो वैल्यूएशन, यील्ड मॉडल लगा के सैटेलाइट पोर्टफोलियो में आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं.